हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज हो गए हैं हमारी एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास को पूरे 11 दिन, और आज मैं आपको एक्टिव पैसिव का दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा। ये दूसरा भी है और आखिरी भी है, यानी कल पढ़ाया था और आज पढ़ा था, टोटल दो क्लासेस में एक्टिव पैसिव ओवर। और भैया फिर कल से पढ़ेंगे कुछ नई चीज, तो आओ फिर एक्टिव पैसिव के बारे में ये पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और आज 11वें दिन मैं आपको सिखाता हूं एक्टिव पैसिव के बारे में कुछ और एडवांस जानकारी। अब आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था टेंस के बारे में कि टेंस का एक्टिव पैसिव में चेंज कैसे करते हैं, चार्ट भी लिखवाई थी, डूडस का, इज एमआर का, इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग। अब आज हम क्या मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। अब मॉडल होते हैं ना, वो कैन, मे, शुड, मस्ट, माइट, ऐसे कुछ, वुड, वुड, तो ये हमारे मॉडल्स हैं। अब मॉडल को एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, बस इनके आगे बी लगाना है पैसिव वॉइस में। कैन का कैन भी, मे का मे भी, शुड का शुड भी, मस्ट का मस्ट भी, वुड का वुड भी, कुड का कुड भी, जो भी है मॉडल उसके आगे आपको बी लगाना है पैसिव वॉइस में। एक्टिव में तो ये ऐसे ही सिंगल ही रहेंगे। और भैया इनके साथ एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन पैसिव में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि दुनिया के सारे पैसिव वॉइस में क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर्मूला वही, रूल वही वाला होगा। आओ इस पर दो सेंटेंसेस लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारा मॉडल्स पर पहला एग्जांपल है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब देखो इसके लास्ट में आ रहा है सकता हूं, तो सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, ये कैन वाला है मॉडल्स है हमारा। सो एक्टिव होगा I can speak English। अब मुझे अगर इसका पैसिव बनाना है तो आपको बताया था लास्ट वाला पहले उठाकर ले आओ इंग्लिश को, तो इंग्लिश हेल्पिंग और नीचे उतारो तो कैन नीचे उतारेंगे और क्या लगेगा, बी लग जाएगा, क्योंकि मॉडल में बी लगता है, तो हो जाएगा कैन बी इंग्लिश, कैन बी स्पीक को नीचे उतारेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी स्पोकन, और आई उधर चला जाएगा तो बाई मी, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई मी। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जा सकती है। आपको ये समझ में इसलिए और आ गया होगा क्योंकि कल ऑलरेडी मैं आपको रूल समझा चुका हूं, इधर का इधर कैसे आता है, इधर का इधर, वही सारी चीजें हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर वो और कुछ जानकारी देखेंगे। और दूसरा मॉडल्स पर एग्जांपल है, तुम्हें कार चलानी चाहिए। अब इसमें हमारा चाहिए यानी शुड, जरूर चाहिए होता तो मस्ट लगा देते, तो सेंटेंस बनेगा एक्टिव में यानी इंग्लिश में, यू शुड ड्राइव अ कार। अब इसे पैसिव बनाएंगे, अ कार को खींच के रस्सी बांध के ले आओ, अ कार, शुड को नीचे उतार लो सीढ़ी लगा के, लेकिन क्या करना है, मॉडल में बी लगाना पड़ता है पैसिव में, तो शुड बी, अ कार शुड बी, ड्राइव को नीचे लाएंगे ड्राइवन, और उसके बाद यू को नीचे उतारेंगे, ऑब्जेक्ट यू का यू ही होता है, तो बाय यू, यू शुड ड्राइव अ कार शुड बी ड्राइवन बाय यू, तुम्हें कार चलानी चाहिए, एक कार तुम्हारे द्वारा चलाई जानी चाहिए, ऐसे हो गया। ठीक है, तो भैया ये दो एग्जांपल हो गए मॉडल्स पे। बाकी जो भी मॉडल आपको कुड वाला दिखे, वुड वाला दिखे, मस्ट वाला दिखे, मे वाला दिखे, तो पैसिव वॉइस में ससुरे में बी चिपका देना, काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में, और अब हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शंस के बारे में, जिन्हें इंपेरेटिव भी कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन जैसे बैठ, सॉरी इंग्लिश बोलो या फिर अंग्रेजी बोलो, एक ही बात हो गई, आई मीन दरवाजा खोलो, खिड़की बंद कर दो, मोमबत्ती बुझा दो, तो ऐसे सेंटेंस पैसिव इसमें कैसे बनेंगे। अब बारी है इनके फॉर्मूले की, अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। फॉर्मूला है पैसिव बनाने के लिए, सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कहानी खत्म। दो एग्जांपल दूंगा, भेज में अच्छे से घुस जाएगा। तो सब लेट और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आओ पहले एक इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है अंग्रेजी बोलो, अरे भाई साहब यहां पर सबसे कह दो अंग्रेजी बोलो, लिख के चिपका दो अंग्रेजी बोलो, या हिंदी अलाउड नहीं है,
तो क्या करेंगे, तो इसे पहले एक्टिव बना लेंगे। अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, हो गया जी। अब कोई तुम्हें दो वर्ड दे दे के ले पहले इसका पैसिव बना, तुम तो देख के डर जाओगे स्पीक इंग्लिश इसमें क्या बनेगा, तो रिलैक्स हो जाओ। ऐसे वाले देखो मैं सिखाता हूं तुम्हें, ये लेट से बनते हैं स्पीक इंग्लिश। अब देखो इसे पैसिव इसमें करने के लिए क्या करना है, दो चीजें अपनी तरफ से देनी है, दो ही सेंटेंस में से उठानी है, मतलब लेट और बी इसके अंदर नहीं है, वो हमें खुद लगाने हैं, और सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस ससुरे में से निकालनी है। आओ रूल को देखो पैसिव वाले को और बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट, लिख दिया जी अपनी तरफ से, उसके बाद रूल कह रहा है लेट के बाद सब्जेक्ट लिखो, तो स्पीक और इंग्लिश में कौन सा सब्जेक्ट है, तो जो काम ना हो वो सब्जेक्ट होता है, तो स्पीक माने बोलना और इंग्लिश माने इंग्लिश, तो स्पीक यानी बोलना यानी ये काम है, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये वर्ब है, ये क्रिया है, तो इंग्लिश का सब्जेक्ट है हमारा, तो लेट इंग्लिश। अब उसके बाद बी अपनी तरफ से चिपकाना है, लेट इंग्लिश बी। अब उसके बाद है थर्ड फॉर्म, तो स्पीक बचा हुआ उसी की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है, स्पीक स्पोक स्पोकन, हाँ स्पोकन, तो हो गया लेट इंग्लिश बी स्पोकन, स्पीक इंग्लिश लेट इंग्लिश बी स्पोकन, अंग्रेजी बोलो अंग्रेजी बोली जाने दो, इस तरीके से हो गया। एक और लेते हैं, फिर कुछ नई चीज और बताऊंगा पैसिव वॉइस के बारे में। जैसे एक और ले लेते हैं, एक ग्लास ठंडा पानी दो, अब किसी से आपने मांगा एक ग्लास ठंडा पानी दो, तो इसकी इंग्लिश होगी गिव अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, गिव अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, मुझे तो गिव मी अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, ऐसे हो जाएगा, तो फिलहाल मी नहीं क्योंकि मुझे नहीं लिखा हुआ, एक ग्लास ठंडा पानी दो, गिव अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। अब देखो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे लेट, लिख दिया जी, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, अब गिव तो वर्ब हो गई, अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर ये पूरा सब्जेक्ट है, तो ये चिपका देंगे लेट अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, उसके बाद बी चिपका दिया बी फेविकोल से, लेट अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गिव माने देना और थर्ड फॉर्म लगा दो गिवन, लेट अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर बी गिवन। ओह इतनी लंबी मैं इंग्लिश बोल दूंगा ना सारे भाग जाएंगे उठ के, जैसे मैं किसी घर गया और मुझे कह रहे हैं ग्लास ठंडा पानी दो, गिव अ कोल्ड ग्लास वाटर की जगह लेट अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन, भकेगा प्यासा ही मर जा, हमें ना आती तेरी इंग्लिश समझ, चल जा दफाओ। तो देखा इस तरीके से इसके पैसिव वॉइस बनते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको एक्टिव पैसिव के बारे में एक और कमाल की जानकारी देना चाहूंगा। हु और हुम WH फैमिली के ऐसे दो वर्ड्स हैं जो पैसिव वॉइस में पूरी तरह से बदल जाते हैं। अगर एक्टिव में हु है तो पैसिव में हु का चेंज बाय हुम में हो जाता है, और अगर एक्टिव में हुम है तो पैसिव में हुम का चेंज हु में हो जाता है। चलो दो एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे हु इज ड्राइविंग द कार, कार कौन चला रहा है। अब एक्टिव में यहां पर हु है लेकिन पैसिव में ये बाय हुम में चेंज हो जाएगा, तो पैसिव होगा बाय हुम द बीइंग ड्राइवन, कार किसके द्वारा चलाई जा रही है। यहां पर बाय लास्ट में नहीं बल्कि हुम के साथ ही आएगा सबसे पहले। ऐसे ही अगर हमारा एक्टिव है हुम विल यू इनवाइट, तुम किसे बुलाओगे, तो यहां पर हुम का चेंज पैसिव में हु में हो जाएगा, जैसे कि हु विल बी इन्वाइटेड बाय यू, यानी तुम्हारे द्वारा किसे बुलाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे हु का चेंज बाय हुम में और हुम का चेंज हु में। आने वाले दिनों में मैं आपको इसके बारे में और भी जानकारी दूंगा। अब भैया लास्ट में आखिरी चीज सीख लो, और वो है पांच सिचुएशन पैसिव वॉइस की, और वो कौन कौन सी है भैया, सजेशन है लिखा हुआ है क्या, नहीं मैंने लिखा हुआ नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूं, एक सजेशन है, एक ऑर्डर है, एक वार्न है, एक इनवाइट है और एक एडवाइस है। ये पांच ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जिनमें जब भी आपको पैसिव बनाना है तो इसका पैसिव बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। भैया सुनो, सजेशन अगर आए तो लिखेंगे पैसिव वॉइस में यू आर सजेस्टेड टू, अगर वॉर्न आता है यू आर वॉर्न्ड टू, अगर ऑर्डर आता है यू आर ऑर्डर टू, अगर एडवाइस आता है यू आर एडवाइज्ड टू, और अगर इनविटेशन आता है यू आर इनवाइटेड टू, ऐसे बनेगा। मतलब ये पूरा लिखना है, उसके बाद वही चीज चेप देनी है जो है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा हमारा एग्जांपल है मेरे चाचा की शादी में जलूल जलूल आना। अब यहां पे सेंटेंस है शादी में आना, यानी किसी ने आपसे कहा भाई साहब शादी में आना है, शादी में जरूर आना, तो इसकी इंग्लिश होगी कम इन द मैरिज, कम इन द मैरिज। अब देखो इसका किसी ने कहा ले बेले कम इन द मैरिज का, चल पैसे वैसे बना रैपट मार दूंगा, तो रुको रुको रुको, अब कम इन द मैरिज पांच में से क्या है, ये वार्निंग है भाई शादी में आना, ये इनविटेशन है भाई शादी में आना, ये ऑर्डर है ओए शादी में आना, या फिर ये सजेशन है भाई शादी में जाना, या फिर ये एडवाइस है भाई शादी में जाना, अरे चारों में से आपने लगा लिया होगा पांचवा इन्विटेशन है ये, तो इसीलिए इसकी शुरुआत होगी यू आर इन्वाइटेड टू, अब है कम इन मैरिज तो यही हो जाए कम इन मैरिज, यू आर इनवाइटेड टू कम इन द मैरिज, यू कम इन मैरिज, कितना सिंपल है देखा। एक और लेते हैं, हाथ ऊपर नीचे मत करना, हैंड्स अप,
अब देखो हमारा सेंटेंस है हैंड्स अप, यानी हाथ ऊपर। अब ये इनविटेशन है भाई साहब, हैंड्स अप क्या ये ऑर्डर है भाई साहब, हैंड्स अप क्या ये सजेशन है या एडवाइस है, नहीं ये वार्निंग है। तो हैंड्स अप का पैसिव वॉइस होगा यू आर वॉर्न्ड टू, अब ये चिपका दो हैंड्स अप, यू आर वॉर्न्ड टू हैंड्स अप, मतलब कुछ करना ही नहीं है, ये वाली चीजें चिपका के और वही वाला सेंटेंस चिपका के बना दो, कितना मजा आ रहा है। एक और एक लास्ट और लेते हैं, जैसे क्या हो रहा, उल्टी दस्त हो रहे, अरे दवाई लो, टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन, अब टेक द मेडिसिन या खाली टेक मेडिसिन, टेक द मेडिसिन ले लेते हैं, अब टेक द मेडिसिन यानी दवाई लो, तो ये क्या है, ये है एडवाइस यानी सलाह दे रहा। अच्छा कंफ्यूजन तो नहीं हो रही सजेशन और एडवाइस में? अरे सजेशन का मतलब होता है जब दो में से चुनाव देना होता है, जैसे दवाई खाऊं या जहर खाऊं, तो यहां सजेशन करोगे, और अगर वो उसकी तबीयत खराब है तो मुझसे कहते दवाई ले ले, तो ये एडवाइस है, तो सजेशन नहीं है, ये एडवाइस है, टेक द मेडिसिन दवाई लो, अब यहां पर एडवाइस है तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन, यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन, भैया यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन, वो इंग्लिश से ही मर जाएगा, दवाई तो बाद में लेगा पहले वो सुन के। अब एक और ले लेते हैं, मुझे आ रहा है, मुझे कसम से तुम्हें भी आ रहा होगा, बट लास्ट ले लेते हैं, उसके बाद काम 35 आई मीन खत्म हो गया, ये ऑर्डर फोर्डर सब पे बना लिया। जैसे किसी ने मुझसे पूछा मैं दिल्ली जाऊं या मुंबई, तो मैं कहूंगा तुम दिल्ली जाओ, तुम दिल्ली जाओ, तो इंग्लिश होगी गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। तो देखिए यहां पे गो टू दिल्ली को पैसिव वॉइस में बनाना है, अगर ये होता यू शुड गो टू दिल्ली तो शुड का तो वही है, शुड बी में अभी मैं मॉडल बना चुका हूं, लेकिन यह खाली गो टू दिल्ली, दिल्ली जाओ, गो टू दिल्ली, अब इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो यहां पे दो में से पूछा था ना मैंने मुंबई दिल्ली में से, तो सजेशन हुआ ही, अगर खाली में कहता मैं कहां जाऊं तो ये एडवाइस होती, तो यहां पे कहेंगे You are suggested to go to Delhi. You are suggested to go to Delhi. तो इस तरीके से भैया बन तो है। तो देख लिया ऐसे ऐसे पैसे वॉइस होते हैं, अब तुम जो नहीं बनाए तुम खुद बनाना, यू आर सजेस्टेड, यू आर वॉन्ट, यू आर ये और यू आर वो, इस तरीके के चेप देना। तो भाई साहब ये हो गए हमारे पैसे वॉइस का दी एंड, अब बारी है आपको होमवर्क देने की, और लगाओ जी लगाओ, ये रहा आपका होमवर्क, अभी से ध्यान से देखना, जो भी आज के लेवल पे मैंने आपको कराया है उसी में से दिए गए हैं, सजेस्टेड फजेस्टेड ऑर्डर फॉर्डर जो भी कराए वैसे ही है, अब आप इनके हिसाब से अपनी नोटबुक में इन्हें ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, आई मीन पैसे वॉइस में कन्वर्ट करना, और फिर लेकिन करना कैसे रुक जाओ, ये हिंदी दी हुई है पहले इसकी इंग्लिश यानी एक्टिव बनाना है, फिर पैसे बनाना है, यानी एक के दो बनेंगे, ये ध्यान रखना, कभी एक का एक ही चेप दो, पहले एक्टिव फिर पैसिव, जैसे कि मैंने शुरू में दिया था ना हैंड्स अप, तो मैंने हाथ ऊपर करो मान लो लिख दिया, तो तुम्हें पहले लिखना हैंड्स अप ए, ए फॉर एक्टिव, फिर लिखना यू आर वॉन्ट टू हैंड्स अप पी, पी फॉर पैसिव, ऐसे इनके एक के दो बनाने हैं। अब बात करते हैं कल के होमवर्क की, तो ये रहा कल का होमवर्क, और ये 10वें दिन का होमवर्क भी भैया मैच कर लेना अपनी वीडियो अपनी नोटबुक से और अपने कमेंट से, वैसे तो मैंने लाइक कर चेक कर दिया था, कोई गलती करी थी तो कमेंट में भी आपको बता दिया था, फिर भी मैच कर लेना, दिल को और तसल्ली और सुकून मिल जाएगा कि हाँ हमारा सही गया। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो एक्टिव पैसिव का खात्मा करने के ऊपर, आई एम श्योर अब आपको ये एक्टिव पैसिव क्लियर हो गए होंगे, कोई और डाउट है तो संडे वाले दिन मैं आपको कमेंट क्लास में बता दूंगा, बस अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखते रहे हैश सरताज सर के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को इन्ना पुन्ना छुन्ना छुन्ना सा लाइक देकर जाना।